वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। फोर्थ क्लास में हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है द गोल्डन टच, जिसमें अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब अपन आगे यहाँ शुरू करते हैं। मिदा से निराजा बोलते हैं, वंडरफुल ऑल द थिंग्स हैव बिकम गोल्ड। क्या बात है, सारी की सारी वस्तुएं सोने की बन गई। द डोर, चेयर्स, टेबल्स, पोर्ट्स, क्लोथ्स एंड एवरीथिंग इज गोल्ड। सारे के सारे सोने के, मतलब उसको पिछली स्टोरी में हमने पढ़ा था कि उसको ऐसा गोल्डन टच चाहिए था उस एंजल से जो हर चीज सोने की बना दे, सब चीजें सोने की हो गई। मितास गेट टायर्ड एंड हंग्री। अब क्या वो खुश तो बहुत हुआ क्योंकि सारी की सारी चीजें सोने की हो गई, उसकी जो मनोकामना है पूर्ण हो गई, उसकी विश कंप्लीट हो गई। लेकिन मिदास गेट टायर्ड एंड हंग्री, अब वो थक गया, भूखा हो गया। ही कॉल्स द सर्वेंट टू ब्रिंग द फूड, और उसने सर्वेंट को बोला मेरे लिए भोजन लेके आओ। द सर्वेंट ब्रिंग्स द फूड एंड कीप ऑन द टेबल, वो भोजन लाए और टेबल पे रखा। मिदास टचेस द ग्लास ऑफ वाटर, इट बिकम्स गोल्ड। जैसे ही उसने पानी के ग्लास को टच किया वो भी सोने का हो गया। ही पिक्स अप ए फ्रूट, इट टू बिकम्स गोल्ड। फ्रूट को टच किया वो भी गोल्ड का हो गया। फिर है मिदास बोलता, ओह आई एम थर्स्टी, मैं बहुत प्यासा, आई एम हंगरी, मैं भूखा हूँ। आई कैन नेदर ईट और ड्रिंक, इसका मतलब मैं कभी खा पी नहीं सकता। आई विल डाई फॉर हंगर इट हंगर इफ आई डोंट ईट एंड ड्रिंक, अगर मैंने नहीं खाया तो मैं तो इस भूख से मर जाऊंगा, भूख और प्यास से। व्हाट शैल आई डू नाउ, अब मुझे क्या करना चाहिए। सडनली हिज डॉटर एंटर्स द रूम, उसी समय उसकी बेटी उसके कमरे में आ जाती है। डॉटर, डैडी डैडी आई हैव ब्रॉट अ फ्लावर फॉर यू, मैं आपके लिए बगीचे से फूल लाई हूँ। सी कम्स रनिंग एंड एम्ब्रांस्ड हिज फादर, वो जैसे उसके पास आके पिताजी से गले लगती है। एज सून एज सी टच डिम, जैसे ही वो उनको टच करती है, सी टच टर्न इनटू गोल्ड, वो भी किस्म बदल जाती है सोने में। मिडास रन हियर एंड देयर एंड वीपली लाउडली, वो इधर उधर आता जाता है, मतलब उस कमरे में इधर घूमता है, रोने लग जाता है जोर जोर से, बहुत दुखी हो जाता है। मिदास एंजल, ओ एंजल वेयर आर यू, द बैक इज गोल्डन टच, वो बोले एंजल तुम कहाँ हो, तुम्हारा ये गोल्डन टच वापस ले जाओ। आई डोंट वॉन्ट गोल्डन गोल्ड, मुझे सोना नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू बी द रिचेस्ट मैन, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं बनना चाहता। आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, मुझे पानी पीना। आई वॉन्ट टू ईट, मुझे खाना खाना। आई वॉन्ट माई डॉटर बैक, मुझे मेरी पुत्री दोबारा चाहिए। ओ गोल्ड सेव मी प्लीज, हे भगवान मुझे बचाओ। द एंजल्स अपीयर, तभी एंजल वा प्रतीत होती। एंजल, व्हाट हैज हैपेंड मिदास, क्या हुआ तुम्हें। व्हाई आर यू क्राइंग, चिल्ला क्यों रहे हो। यू शुड बी ग्लैड, तुम दुखी हो। मिदास बोले नो आई एम नॉट ग्लैड, आई एम सैड, सॉरी ग्लैड एंड खुशी। मिदास बोले नहीं मैं दुखी खुश नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ। आई विश टू टेक बैक द गोल्डन टच, जो आपने मुझे गोल्ड टच दिया है ना उसको वापस ले जाओ आप। एंजल बोली ऑल द गोल्डन थिंग्स विल चेंज इनटू फॉर्मर स्टेट यू इस विश, तो अगर तुम चाहोगे तो सारी की सारी वस्तुएं, सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, सारी की सारी वस्तुएं क्या हो जाएगी, वापस जैसी थी वैसी हो जाएगी। मिदास बोले यस आई विश सो, मैं यही चाहता हूँ। आई हैव कम टू नो दैट फूड वाटर एंड माई डॉटर आर मोर प्रेशियस देन गोल्ड, ये मेरी बेटी है जो, और खाना पीना मेरे लिए गोल्ड से कहीं ज़्यादा कीमती है, वो मेरे लिए जरूरी है, उसके बगैर जिंदगी नहीं है। एंजल बोली मिदास यू आर नाउ विश देन बिफोर आई टेक बैक द गोल्डन टच, अगर तुम यही चाहते हो, तुम्हारी ये इच्छा है, तो मैं गोल्डन टच को वापस दे लेती हूँ। द एंजल डिसअपीयर्ड, एंजल वहाँ से गायब हो गई। मिदास टच दिस डॉटर, उसने अपनी डॉटर को टच किया। सी स्माइल, वो हंसी। देन ही टच ऑल द थिंग्स विल टर्न गोल्ड वन बाई वन, जैसे उसने सारी वस्तुओं को टच किया वो जैसी की थी वैसी की वैसी हो गई। एवरीथिंग चेंज बैक इनटू रियल फॉर्म, सारे के सारे गोल्डन से वापस किस में आ गए, रियल फॉर्म में। मिदास ओ गॉड व्हाट अ फूल, ओ गॉड मैं कितना मूर्ख हूँ, मूर्ख था। आई विल नेवर बी ग्रीड, अब मैं कभी लालची नहीं होऊंगा। हीप का मतलब पाइल होता है। फुलफिल्ड एंड कम्प्लीटेड, अपीयर एंड टू बी सून, फियरफुल एंड अफ्रेड, ग्रांटेड अलाउड, लाउडली क्लेमरसली, रियल एंड एक्चुअल। एंजल मैसेंजर ऑफ गॉड, प्रेसियस वैल्यूएबल, सरप्राइज वंडर, सनराइज सन गेट्स अप ब्लेस्ड हैप्पी, वाइज इंटेलिजेंट, ग्रीडी सोइंग एक्सेसिव डिजायर फॉर समथिंग। आज की सभा में बस इतना ही, अगला चैप्टर पढ़ें अगली क्लास में। जय हिंद, जय जय भारत, राधे राधे।